अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इज़्ज़त ताहिर और आप लोग देख रहे हैं कश्मीरी बामेटी। आज मैं आप लोगों को चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स बनाना सिखाऊंगी, तो जी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे और उसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। जब तक चिकन अपना कलर चेंज करता है तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो जी चिकन पक चुका है, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। मेरे पास येलो कलर की शिमला मिर्च मौजूद थी इसलिए मैं वो डाली हूँ, आप लोग सिंपल भी डाल सकते हैं। साथ में इसके अंदर गाजर डालेंगे और कैबेज डालेंगे, इन्हें मिक्स करेंगे और 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जी फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसे ठंडा कर लेंगे। अब एक बोल के अंदर हम थोड़े से ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, इनके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इतना पानी डालना है कि इसकी एक स्मूथ सी डो बन जाए। तो जी ये देख लीजिए, हमारी प्यारी सी डो तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा बैटर हम अपने हाथ पे लेंगे, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये बैटर आप लोगों के हाथ पे ना चिपके। पहले हम इसकी थोड़ी सी बॉल बना लेंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। आप लोगों ने ऐसे ही करना है जैसे हाथों पे आप लोग रोटियां बना रहे हैं। देख लीजिए छोटी सी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ठंडी की हुई फिलिंग डालेंगे। और इसे बंद कर लेंगे, साइड उसे अच्छी तरह से दबा के बंद कीजिएगा ताकि फिलिंग वगैरह बाहर ना निकले। इन्हें बंद करने के बाद आप लोगों ने इन्हें पहले एग में कोट करना है और फिर सिंपली ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अब हम इन्हें शेल फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए और लीजिए हमारी चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स तैयार हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्सेस में दीजिएगा, टी टाइम पे खाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।